हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोनेट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोनेट में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन पेट्रोनेट में हमें जो है 0.05% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। मतलब एकदम ही यहाँ पे जो है न्यूट्रल हमें जो है एक तरह से क्लोजिंग देखने मिली है। करंटली क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 215.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे जो हमें जो है नेगेटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट देखने मिलने वाला है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे एक मीडियम से ऐसी कैंडल बनती हुई हमें देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे अपसाइड में आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है विक भी जो हमें बनते हुए देखने मिल रहा है। करंटली यहाँ पे कैंडल जो है वो हमारी 20 EMA और 50 EMA के नीचे जो है वो क्लोज हुई है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एस आई यहाँ पे हमारा 47-48 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें जरूर जो है एक यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल सा जो है यहाँ पे इशारा करता है। मतलब दोनों साइड का जो हमें इशारा करता है। तो इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो है मूवमेंट देते हैं। हमें जो है उसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमारे फिलहाल जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है नेगेटिव हो चुका है। मतलब स्टॉक जो हमें गिरते हुए इजीली देखने मिलने वाला है। स्टॉक जो हमें सबसे पहले गिरते हुए 210 तक देखने मिलने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाई चांस है 200 के नीचे, यहाँ पे 200 के आसपास हमें 205-206 के आसपास जो हमें गिरते हुए देखने मिले। बाकी यहाँ पे करेंटली ट्रेंड जो है स्टॉक में वो भी नेगेटिव है। 20 EMA अभी भी 50 EMA के जो है नीचे चल रहा है, जो एक स्टॉक के ट्रेंड को जो है नेगेटिव कर देता है। इसका मतलब स्टॉक जो है अभी भी नेगेटिव जो है ट्रेंड में है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें अपसाइड मूवमेंट भी देखने मिले तो भी वो मूवमेंट जो है सारी की सारी टेम्पररी होगी। यहाँ पे कोई भी परमानेंट मूवमेंट जो है ऐसे नहीं आने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं जरूर आपको मार्क करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है। यहाँ पे जो है मार्किंग्स ऑलरेडी है, लेकिन हमें कुछ जो है नए जो है डेटा देखने मिल रहा है। नीचे के साइड में सपोर्ट के साइड में हमारे पास जो है हमने मार्किंग जो है ज्यादा नहीं की थी, तो इसकी वजह से फिलहाल हमें जो है उसकी जो है मार्किंग जरूर करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो पीछे इसको करके यहाँ पे उसकी भी जो है मार्किंग्स कर देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देख ले, क्योंकि वो उसमें जो है आपको समझ में आएगा किस तरह से आपका अगर यहाँ पे जो है ओपिनियन जो है बुलिश है या फिर बेरिश है वो आपको एक कन्फर्मेशन देने में हेल्प करेगा। और वहाँ पर आप कैंडलस्टिक की मदद से जो है आपको किस साइड में यहाँ पर ट्रेड करना है आपको वो भी पता लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है ज़्यादा हमें मार्किंग्स करने की जो है ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे जो अच्छी खासी मार्किंग जो पुरानी थी रेजिस्टेंस जोन के लिए वो हमने ऑलरेडी मार्क की हुई थी। बाकी यहाँ पे जो है नीचे तक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइम स्टॉक जो कभी और नीचे जाए तो वहाँ की भी हमारे पास मार्किंग्स ऑलरेडी हो। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की।
क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 215.95 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है 214.25 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 216.05 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो वो बनता है, मतलब स्टॉक जो हमारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस से बहुत ही पास में जो क्लोज हुआ है। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है अगर आपको जो है स्टॉक इस बीच में घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे कल के दिन स्टॉक घूमे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है याद रखे। और यहाँ पे जो है आपको दोनों में से किसी भी एक साइड में जो स्टॉक जब हमारा क्रॉस हो फिर आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। तो कंफर्मेशन कैंडल आपको किस तरह से देखनी है और किस तरह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है, सारी की सारी बात हमने जो है आई बटन में एक वीडियो जो हमने ऐड किया है कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग के ऊपर, जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने हर एक चीज़ जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। साथ ही साथ चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से उस स्टॉक में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया, तो जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहने से पहले मैं आपको कल के लिए इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद का अगला सपोर्ट आता है 212.60 का, उसके बाद का आता है 210.25 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 218 का, उसके बाद का आता है 220 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो बताए हैं उसी को कंसिडर में रखते हुए जो आप यहाँ पे अपना कल के दिन जो है ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस कल के लिए तो कहूँ जरूर यहाँ पे जो है पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें अपसाइड मूवमेंट जो है दे सकता है कल के दिन। ओपनिंग यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है लेकिन क्लोजिंग हमें जो है स्लाइट पॉजिटिव देखने मिल सकती है। इसका मतलब हमें जो 1% के अंदर यहाँ पे स्टॉक जो पॉजिटिव देखने मिल सकता है और 216.05 से लेकर 218 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बहुत हाई चांस है कल के दिन स्टॉक जो है पॉजिटिव ही यहाँ पे क्लोज होगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।